सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों की ओर। चार धाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों में आने वाले सभी वाहनों को श्यामपुर बाईपास से नटराज होते हुए पहाड़ी इलाकों में भेजा जाएगा। पहाड़ से आने वाली सभी वाहनों को बाईपास से हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा। बता दें कि शहर के अंदर केवल लोकल लोगों के वाहनों को ही प्रवेश देने की इजाजत मिलेगी। तो जो बुकिंग प्राइवेट होटल्स में प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके साथ उनके पास हो रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भीड़ हर साल की मुकाबले ज़्यादा रहेगी। जो निरीक्षण किया गया वो निरीक्षण के साथ साथ एक ट्रैफिक प्लानिंग भी थी चारधाम के दृष्टिगत। मुझे बहुत खुशी हुई कि थाना कोतवाली ऋषिकेश के कोतवाल भी और अन्य स्टाफ भी बहुत ही एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, इस साल के सीज़न को लेके। हमने पूरा ऋषिकेश का निरीक्षण किया गया, उसमें नेपाली फार्म से लेके चंद्रभागा पुल, देन टिहरी जिले का कुछ एरिया, एम्स वाला एरिया तथा नटराज चौक वाला, अलग अलग प्लान बनाए जाएंगे। साथ ही मेरे द्वारा रेलवेज तथा पीडब्ल्यूडी तथा अन्य नगर निगमों, एसडीएम साहबों, उन सबसे कोऑर्डिनेट करके अलग अलग कामों का लिस्टिंग करके अलग अलग डिपार्टमेंट की मदद भी ली जाएगी। आज रुड़की के ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल ने अपने निवास के निकट सोना देवी मंदिर राजपुताना में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आचार्य पंडित रमेश सेमवाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 मार्च को 55वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 20 मार्च को देश भर में लगभग 100 से अधिक ज्योतिष विद्वान रुड़की नगर में पहुंचेंगे और जनता की अनेकों समस्याओं का समाधान करेंगे। वही पंडित सेमवाल ने जनता से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मौके का लाभ उठाएं। उन्होंने ये भी बताया है कि 25 वर्ष से इस तरह का सम्मेलन हर वर्ष रुड़की, हरिद्वार और अन्य जगहों पर किया जाता है। थल क्षेत्र में होली को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए थल थाना अध्यक्ष हीरा सिंह ने लोगों से अपील की है कि आज इसी संबंध में थल थाने में होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए थल के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष ने बैठक में लोगों से क्षेत्र में होली पर्व का आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन वालेश्वर मंदिर में होली के वक्त वहाँ पुलिस बल तैनात रहेगी। होली के दिन हुड़दंग मचाकर शांति भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस विषय में आज थाना क्षेत्र अंतर्गत जो भी सम्रांत लोग हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, उनको बुलाकर एक मीटिंग ली गई है ताकि होली को सकुशल संपन्न कराया जाए शांतिपूर्वक। और इस दौरान हिदायत भी कर दी गई है कि कोई भी भाई शराब पीकर के वाहन को ना चलाएं, और जो भी अगर ऐसे कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर कलियर से है, जहां पर लावारिस हालात में खड़ी कार की सूचना लोगों ने कलियर पुलिस को दी थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी के कागज चेक किए। इस दौरान आरसी पर लिखे फोन नंबर पर गाड़ी के मालिक से बातचीत की गई, तो वही गाड़ी के मालिक ने बताया कि 3 दिन पहले उनकी कार रुड़की से एक धर्मशाला के बाहर से चोरी हो गई थी, जिसका मुकदमा गंगनहर कोतवाली के में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने लावारिस कार को बरामद कर लिया है। खबर कालियर से है, जहां तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह साविर पार्क में चादर फूल पेश कर खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर पाई है। आगे उन्होंने कहा कि जितना भी बचे हुए विकास कार्य है उनका इस बार काम कराया जाएगा। विजय मिली और इसमें हमने अपने सभी मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने कांग्रेस के सभी जिम्मेदार साथियों के साथ में चादर पोशी की है और हमने अमन चैन की दुआ मांगी है कि साबिर पार्क की रानी कलियर शरीफ दरगाह से कि इस पूरे मुल्क में अमन चैन रहे, सब शांति व्यवस्था के साथ में रहे और अमन की तरक्की हो और सब पे अपनी दुआओं। निश्चित रूप से जनहित से जुड़े मुद्दे, जनता की समस्याएँ हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और सड़कें जो पिछले 5 सालों में जर्जर हो चुकी हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, उनके लिए और पेयजल को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए मुख्य कार्यक्रम। खबर धनौरी से है, जहां रुड़की क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी, धनौरी चौकी प्रभारी नरेश कुमार के साथ पुलिस चौकी में ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए उन्होंने ग्रामीणों से अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा, होली के त्यौहार में अधिकतर नशे का उपयोग किया जाता है, जिससे समाज में दुष्प्रचार बढ़ता है। होली के त्यौहार पर कोई हुड़दंग नहीं मचाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएलजी मेंबर्स की हमने मीटिंग यहाँ पे धनौरी चौकी अंतर्गत बुलाई है। इसमें जो आगामी होली पर्व आने वाला है, इसको लेकर एक तरह शांति व्यवस्था कैसे इलाके में कायम रहे, तो लोगों से अपील की गई है कि कोई भी झगड़ा या कोई भी बात होती है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें और क्षेत्र में शांति बनाए रखें और अमन और खुलूस से इस त्यौहार को मनाएं। जो भी इसमें हुड़दंगबाजी करेंगे, बिल्कुल हमारी ड्यूटियाँ, ड्यूटी चार्ट इसमें लगेगा जो हमेशा की सालों की तरह, और जो हुड़दंगबाजी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलग से फोर्स इसमें जो है पीएससी की मांग कर रहे हैं। मसूरी में 144 करोड़ की यमुना मसूरी पंपिंग योजना का काम शुरू होने से सभी सड़कें जल निगम ने खोद दी हैं, जिससे शहर में हर जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं जल निगम की ओर से सड़क को खोदने से सड़कों पर धूल हो रही है, जिससे व्यापारियों के साथ मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों को भी जाम और धूल का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका सभासद दोनों ग्रीन चौक पर जल निगम की ओर से हो रहे काम का बहिष्कार कर भाजपा सरकार और जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। अकेडमी की तरफ चले जाओ, मॉडर्न स्कूल की तरफ चले जाओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बालोगंज जड़ी पानी सब जगह इन्होंने रोड खोद रखी है और कहीं भी ये रोड को कंप्लीट करने का काम इन्होंने नहीं कराया। माल रोड की बात थी, हमने इनको कहा कि 31 तारीख तक आप जो है माल रोड को कंप्लीट करोगे, और जो इनका काम करने का तरीका दिख रहा है ये हमें नहीं लगता कि 31 तारीख तक ये माल रोड को कंप्लीट कर पाएंगे। तो टोटल इनका जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पे गलत है और इसका हम विरोध करेंगे। सारे दुकानदार परेशान हैं, स्कूल के जो बच्चे हमारे स्कूल खुल गए हैं कैसे करके लोग बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे परेशान, गार्जियन परेशान, तो ये हम होने नहीं देंगे। इनको बिल्कुल हम यहाँ पे रोकेंगे और आगे काम तभी करने देंगे जब तक यहाँ पूरी कंप्लीट रोड ये नहीं बनाते हैं। आज भी देखिए आप, इन्होंने कंपनी बाग अगर खोदा है, सड़क बन गई, पानी की लाइन डल गई, तो आप सड़क क्यों नहीं बना रहे? मॉडर्न स्कूल पे आप देखिए 1.5 महीने से सड़क जो है पानी डाल रखा है इन्होंने, और वो लाइन डली हुई है पर वो भी नहीं बनाई। फिर इन्होंने किंग रेड की रोड देख लीजिए, वहाँ लाइन डल गई, तो रोड क्यों नहीं बना रहे? खोद खोद के छोड़ते जा रहे हैं, क्या घोटाला है समझ में नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि ये काम व्यवस्थित ढंग से हो। अगर ये 100 मीटर रोड खोदते हैं 100 मीटर कंप्लीट होनी चाहिए। पानी का छिड़काव करिए, रोड रोलर चलाइए, सड़क बैठने का इंतजार कर रहे हैं तो रोड रोलर से बिठाओ। अब ये थोड़ी बारिश आएगी और अब सड़क बिठाएंगे, तब तक इंतजार करेंगे, और साथ साथ सड़क बनाते जाएं साथ साथ, क्योंकि इस कदर पूरे शहर में मिट्टी उड़ रही है कि बुरा हाल हो रहा है, पूरे व्यापारी परेशान है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई के क्रम में राज्य में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए राज्य को कोवैक्सीन कोवैक्सीन की 4,01,400 खुराक मिल गई है। इस वैक्सीन को जिले को वितरण भी कर दिया गया है। आज टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार के साथ राज्यों का बैठक भी होना। इस आयु वर्ग में टीकाकरण का असल लक्ष्य केंद्र की विस्तृत गाइडलाइन के बाद ही तय किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन बड़ा हथियार साबित हुई है। तीसरी लहर में कोरोना के अत्यधिक प्रसार के बावजूद वैक्सीन ने काफी बचाव किया। ऐसे में बुधवार से देश भर में 14 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना रोधी टीकाकरण लगाया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।